क्यों लगाते हैं बताओ, साइंटिफिक रीजन बताओ। मेरे माथे पर तिलक लगा है, क्यों लगा है बताओ। तिलक का मतलब क्या है? तिलक का मतलब होता है ये जो ऊर्ध्व, इसे ऊर्ध्व पुंड कहते हैं, जो ऊपर की तरह दो लाइनें गई हैं व्हाइट कलर की, वो इस भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के दो चरण हैं, और ये नीचे चरणों को रखने की ये आसन है, और ये जो बीच में लाल है ये माता लक्ष्मी जी हैं। तो मेरे तो माथे पे लक्ष्मी बैठी है, माता लक्ष्मी बैठी है, और भगवान के चरण है। तो तिलक का भाव ये है कि हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरण। जो कृष्ण उपासक हैं वो इस भाव से तिलक लगाएं कि मेरे माथे पर भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं और राधा रानी बीच में हैं। जो राम के उपासक हैं वो इस भाव से लगाएं कि ये प्रभु राम का चरण है और बीच में माता सीता विराजी हैं। तिलक रोली कुमकुम के रूप में। और आप लोग नया घर बनवाते हो ना, तो नए घर में ऊपर जूता लटका देते हो, जूता। आप भी दुल्हे को तैयार करो और एक जूता उसको लटकाओ, नजर ना लग जाए किसी की। घर पर जूता नहीं, कई लोग टायर लटका देते हैं। कुछ लोगों के घर में नींबू और मिर्ची लटक रही है, इन सब की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर क्या रखो, यहां देखो ध्यान से। पहले क्या है? चक्र, तिलक और शंख। क्या है? चक्र, तिलक और शंख। चक्र, तिलक आप अपने द्वार पर, दरवाजे पर, जो पहला गेट है अंदर जाते ही द्वार के ऊपर, अपने द्वार पर ऐसा शंख, चक्र, तिलक लगाओ। इसके लिए, ये इसलिए कि चक्र जहां होता है वहां ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। कोई भी निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, चक्र वहीं से काटते रहेंगे। और शंख, अन्नपूर्णा शंख भरत जी के अवतार हैं, शंख के अवतार भरत जी हैं, और जहां शंख होता है वहां अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। और तिलक मैंने बताया कि भगवान श्रीमन्नारायण के, तो अपने द्वार पर ना, अच्छा कुछ लोग ना अपने द्वार पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा के रखते हैं द्वार पर। एक चीज और बताऊं, लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी जी को कभी गेट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए फोटो, और लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देखती हो, हमेशा लक्ष्मी जी घर के अंदर की ओर देखती हो, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का मुंह किस तरफ हो? घर के मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, पूर्व उत्तर का कोना ईशान, और घर के अंदर की तरफ माता लक्ष्मी जी का मुंह होना चाहिए। लक्ष्मी जी बाहर देखेंगी तो बाहर भागेंगी, चंचला है ना, इसलिए लक्ष्मी जी को सदा ऐसी जगह रखो। द्वार पर लक्ष्मी जी ना बिठाओ, लक्ष्मी जी गणेश जी तो घर के अंदर रखो, गणेश जी बुद्धि देंगे तो लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जी के बगल में गणेश जी क्यों बैठते हैं? दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी और यहां तो दक्षिण है, यहां तो लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर कई जगह लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है, जबकि लक्ष्मी गणेश का कोई संबंध नहीं है, फिर भी पूजा। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक संबंध है। क्या? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी हैं धन की देवी, जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। ये मैसेज है आपके लिए, गणेश जैसी बुद्धि होगी तो बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी।